हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज हम लोग आए हैं एक हिडन जेम, एक हिडन डेस्टिनेशन में जो शायद हमें भी नहीं पता था साउथ दिल्ली में रहने के बाद भी। इसका नाम है सबके खातिर और एक नॉनवेज का स्पॉट है और ये बड़ी पॉश लोकेलिटी में है और ये छोटा सा स्पॉट है। जो लोग आते हैं उन्हीं को पता है, ना कोई बोर्ड है, ना कोई लैंडमार्क है, ना कोई ऐसे कोई बोर्ड लगे हुए लाइट वाले के नज़र आए कि हाँ भी यहाँ पे कुछ है। तो आपको लोकेशन भी समझवाते हैं, भाईजान से बात कराते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि क्या क्या मिलता है यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फैसल आलम है। आलम जी, ये सबके खातिर कब से है यहाँ पर? यहाँ पर 2010 से। और लोकेशन समझाएंगे जरा? लोकेशन जस्ट लोधी होटल के बराबर में ही है, सर्विस लाइन में। लोधी होटल से जब आप दयाल सिंह कॉलेज की तरफ चलेंगे? जी जी जी, उसी सर्विस लाइन के अंदर हुडको बिल्डिंग के बाहर। हुडको बिल्डिंग के पास। और क्या क्या मिलता है यहाँ पर, क्या क्या मशहूर है यहाँ का? चिकन टिक्का, काकोरी, गलोटी, चिकन सीख, मटन। आप मेरे को दिखा के एक बार बताओ। ये काकोरी कबाब है, ये काकोरी कबाब। हाँ, ये चिकन टिक्का है। अच्छा, वो चिकन गिलाफी कबाब है जो आगे लगा हुआ है, जिसपे वो दानेदार लगा हुआ है। जी जी जी, ठीक है। ये मटन सीख कबाब है उससे पहले। जी जी। तो ये हैंडमेड ही होते हैं भाई जान? सब हैंडमेड, आपके खुद के ही हैंडमेड बने हुए सारे कबाब होते हैं। और ये क्या है? मटन टिक्का। मटन टिक्का, चिकन रोस्टेड। चिकन रोस्टेड। और क्या क्या प्राइस बताएंगे इनका रेट? मटन टिक्का 480 का है, चिकन टिक्का 380 का है, काकोरी कबाब 2 पीस होते हैं 230 के, और मटन सीख 230 का, चिकन सीख 200 का। टाइमिंग क्या है इसका? टाइमिंग है इवनिंग 6 PM से लेके मिडनाइट 12:30 से 12 बजे। आपने बोर्ड नहीं लगा रखा, लेकिन रश इतना है कि बोर्ड वाले जगह पे भी लोग नहीं आते, इतना रश है। कोई बात नहीं। क्या रीज़न है बोर्ड ना लगाने का? रीज़न कुछ नहीं है, बस यहाँ बोर्ड के है नहीं, खुदा की रहमत वैसी बहुत है, इसलिए बोर्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जी 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 जी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सारे हैंडमेड लगे हुए हैं कबाब, जितने भी हैं, कोई भी फ्रीजर वाला कबाब नहीं है बने हुए, और बहुत टेम्पटिंग है। कैमरे में शायद आपको इतना पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे और आप देखेंगे खुद अपने आंखों से तो बहुत टेम्पटिंग है ये। आप लोग कब से आ रहे हो यहाँ पे? हम लोग पिछले 3 साल से इधर आ रहे हैं, मैं और भाई इनकी साइड में। तीनों लोग एक साथ आते हो? हाँ, के लिए तीनों एक साथ ही। कैसा टेस्ट, कैसा है यहाँ का? सबसे अंडररेटेड चिकन है पूरी दिल्ली में। हम लोग ने दुबई में भी खाया है, बाली में भी खाया है, बट ऐसा चिकन हमने कहीं नहीं खाया है। आप लोगों ने आज क्या लिया था? हम हमेशा वही अपना कराते हैं, अचारी टिक्का कराते हैं, यहाँ का स्पेशल चिकन कबाब और खातिर स्पेशल गिलोटी कबाब। आप लोगों ने खाया तो काफ़ी जगह होगा, तो यहाँ का और बाकी जगह आपको कि हमने दुबई खाया है, बाली में भी खाया है, दिल्ली में भी, ये दिल्ली 6 और ये जगह भी खाया है, बट जितना फ्रेश चिकन इधर का है और लेस ऑयल और बढ़िया बिल्कुल मैरिनेट करके, ऐसा नहीं है कहीं। ये सबसे अंडररेटेड है, मतलब लोगों को पता नहीं है ना? नहीं, बहुत कम लोगों को पता है, लिमिटेड लोग ही जो यहाँ आते हैं और बस वही मजा उड़ा रहे हैं। जो आते हैं फिर वो आते हैं बार बार। हम यहाँ 3-3.5 साल से आ रहे हैं, हम एटलीस्ट 150 बार यहाँ आ चुके हैं कम से कम, और कोई स्पॉट नहीं है, यही वाला स्पॉट है। भाई, आपका नाम? माय नेम इज विपुल भाटिया। विपुल जी, कब से आ रहे हैं यहाँ पे सबके खातिर में? फ्रॉम द टाइम मैं दिल्ली आया हूँ तब से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, सो लाइक इट्स बीन लाइक वे बैक टू 2007 तब से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर नॉर्थ इंडियन फूड। सो अगर मैं यहाँ का मलाई चिकन की बात करूँ तो मतलब यू विल एक्चुअली फील द मलाई इज़ देयर, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट अचारी चिकन, अचारी चिकन टिक्का, उसमें अचार का फ्लेवर बिल्कुल डेफिनेट आएगा। वन ऑफ द बेस्ट कबाब्स एंड टिक्काज अराउंड। मतलब आपका फेवरेट क्या है? मेरा फेवरेट अचारी और मलाई टिक्का। यू वोंट बिलीव आई एम कमिंग फ्रॉम गुड़गांव, ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव। गुड़गांव से आए आप? हाँ, मतलब घूमते फिरते आज मौसम अच्छा है तो यहाँ खा के आते हैं। या संडे तो जनरली आ जाते हैं, मतलब वीकेंड। गुड़गांव में आपको इस तरह का नॉनवेज नहीं मिलता? नहीं नहीं, भी है वहाँ पर भी, पर लेकिन इसका मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। भाई जी, कौन सा टिक्का लगा हुआ है बीच में? ये वाला चिकन टिक्का था। पनीर टिक्का वगैरह भी मिल जाता है? हाँ जी। वेज खाना हो किसी ने तो? हाँ जी। वेज कबाब भी मिल जाते हैं। वेज कबाब किस चीज़ के बने होते हैं? ये सब्जी की बने हुए होते हैं। अच्छा, वैसे ही कबाब, बिल्कुल देखने में ऐसे नॉन वेज ही लग रहा है। क्या क्या इसके अंदर डाला, क्या क्या होता है भाई जान? इसमें 9 तरीके की सब्जी होती है, बीन्स वगैरह होता है, आलू होता है, पनीर होता है। अच्छा, बाकी भुजिया होती है, डलगी है। वेज वालों के लिए ऑप्शन है? ऑप्शन। फ्रेंड्स, ये सामने रोड है जो लोधी होटल से आ रही है और दयाल सिंह की तरफ जा रही है, लेफ्ट में इस रोड के ऊपर है, तो आपको मुड़ने के बाद धीरे धीरे चलना पड़ेगा ताकि आपको पता लग जाए कि ये सबके खातिर कहाँ पर है। गाड़ियों की लाइन लगी होगी तो आपको अपने आप नज़र आ जाएगा, ये सब गाड़ियों की लाइन खाने वालों की लगी हुई है। फ्रेंड्स, ये रखी हुई है मटन सीख कबाब और चिकन सीख कबाब की पेस्ट। भैया, यही कीमा है ना जो लगता है इसके? मतलब जी जी, काकोरी कबाब। ये काकोरी कबाब लगा हुआ है जी। भैया, आपका नाम? प्रशांत। प्रशांत, कब से आ रहे हो यहाँ पे सबके खातिर में? आज पहली बार आया हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड है यहाँ पे, उसने बोला कि फीडबैक काफ़ी अच्छा दिया और अच्छी वाइब होती है, वाकई में बहुत अच्छी वाइब है। और यहाँ पे, और इनका अभी मैंने कबाब खाया, 2 कबाब थे, मटन और
काकोरी खाया और एक मटन खाया, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन थे और प्राइस भी बहुत ही वैल्यूबल है कि हाँ इतने में आप खा सकते हो और बहुत हाइजीन है, मतलब साफ़ सफाई के साथ और बहुत डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे खिला रहे हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा है और व्यू आप देख ही लो आसपास का माहौल ज़बरदस्त है। हाँ तो लोकेशन अल्टीमेट कहीं मिलेगी नहीं। हाँ और आप प्राइम लोकेशन के पास हो, कहीं से घूम फिर के आ रहे हो दिल्ली से, आपको लग रहा है कि कुछ स्नैक्स टाइप में या कुछ भरपेट खाना खाना है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग इसके सबके खातिर के बारे में एक लाइन में, अच्छी जगह है, एक बार आइए, मौका दीजिए खिलाने का, मज़ा आएगा। बोर्ड भी नहीं है देखो अब यहाँ पे जबकि, हाँ बोर्ड भी पब्लिक आई के बाद भी बहुत ही बेहतरीन जगह है, आप आइए एक बार मौका दीजिए खाने के लिए खिलाने, यहाँ पर बहुत ही दोबारा वापस आएंगे आपके हिसाब से लोग? बिल्कुल आएंगे, खातिरदारी होगी। अब तो मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, एक्चुअली रात में क्या होता है कि हम बैचलर्स लोग को रात में भूख लगती है, सुबह देर तक सोते हैं और अभी मालूम चला है कि सुबह 4 बजे तक खुला रहता है, 4:30 बजे तक, तो एक बार नाइट आउट और बनने वाला है दोस्तों के साथ। क्या मंगाया भैया आपने? चिकन कोरमा है और खमीरी रोटी। खमीरी रोटी देखिए कितनी फ्रेश और कितनी गर्मा, तो चिकन कोरमा बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, मटन ही लग रहा है, तो चिकन लग ही नहीं रहा। मैंने ग्रेवी देखिए कितनी थिक है इसकी, मज़ा आ जाएगा खा के। काजू ड्राई फ्रूट का इसमें पार्लर, बाकी ब्राउन प्याज वगैरह दे के इसमें बनाते हैं और ड्राई फ्रूट काजू भी होता है। ये स्पाइसी में होता है कि मीठे में होता है? ये न ज़्यादा स्पाइसी होता है न मीठा होता है, मीडियम में होता है। भैया अब खा रहे हैं, ये बताते हैं इनसे टेस्ट पूछते हैं कि मेन कोर्स गला हुआ कैसा है, मतलब प्रॉपर बना हुआ कैसा है? बहुत ही अच्छा। ये क्या पहला बाइट अंदर लाजवाब, शायद मैं कुछ अलग टेस्ट दे रहा हूँ अभी तक का चिकन का, काफ़ी शानदार है। आपका नाम? यासर। कब से आ रहे हैं हम खाने यहाँ पे सबकी खातिर में? 8-10 साल तक, मोर देन 10 ईयर्स। क्या बोलना चाहोगे यहाँ सबके खातिर के बारे में? अमेजिंग, मतलब नो डाउट। आप क्या बोलोगे टेस्ट के बारे में? अमेजिंग फूड यार, बहुत अच्छा होता है। 10 ईयर्स हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इनकी क्वालिटी, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अमेजिंग होता है। चचा जो है हमारे बड़े पुराने हैं, उसके पीछे चचा बैठ है, तो बहुत अच्छा होता है, मतलब अमेजिंग क्वालिटी। आप लोग दोनों क्या खाने आए हो सबके खातिर में? कबाब। कौन सा वाला कबाब? चिकन गिलाफी। चिकन गिलाफी। हाँ। और कब से आ रहे हो ये बताओ? 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ जी। तो रहते कहाँ पर हो आप लोग? हम लोग ईस्ट दिल्ली से आए हैं, करकड़ुमा साइड से। ईस्ट दिल्ली स्पेशली करकड़ुमा से आए हो? हाँ जी, यहाँ पे आए हैं। पहले किसी ने रेफरेंस दी थी कि पहले खुद ही आए थे? आते थे हमारे, हम जीजा जी के साथ आते थे अपने, अच्छा लगा तो फिर हमने भी आना शुरू किया। जी को पूछना बंद कर दे, खुद ही आना शुरू हो गया अकेले। क्या करें, जब जो मिल जाए। कौन से हैं टिक्के? चिकन टिक्का या मटन टिक्का? नाम भाईजान? मेरा नाम अकबर हुसैन है। कहाँ से आए हैं आप? मैं हैदराबाद से आया हूँ सर। तो यहाँ का किसी ने रेफरेंस दिया था, बताया था कि सीधा ही आगे से घूमते फिरते हैं? नहीं नहीं, किसी ने रेफरेंस दिया था यहाँ के खाने के लिए, बहुत मज़े का है बल्कि बताया। आप लिए में मटन टिक्का? हाँ मटन, तकरीबन पूरे आइटम मंगा रहे हैं एक वन बाय वन। अच्छा, टेस्ट कर रहे हैं, बाकी बहुत अच्छा। कैसा मटन टिक्का कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, बहुत लजीज है वाला, खाने में बहुत बढ़िया है, मज़ा आया है वाला खाने में। भाईजान आपको कैसा लगा? बहुत शानदार। क्या खा रहे हो? चिकन टिक्का है, मटन कबाब है। ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए भैया का चैनल जरूर करिएगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में जल्दी आपको मिलने वाले हैं। दिल्ली को अगर ढंग से देखना है और दिल्ली के खानों के बारे में जानना है, लजीज स्वाद लेना है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाय फ्रेंड्स, आई होप आपको सबके खातिर के ब्लॉग का मज़ा आया होगा। ये हिडन जेम है, मैं यहाँ पे मेन रोड पे ही घूम रहा हूँ जो लोधी रोड है, और बहुत अच्छी वाइब्स हैं यहाँ की, सिर्फ खाना ही नहीं, वाइब्स भी बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल खाली इलाका है सारा का सारा, लोग खाना खा रहे हैं, एक मनान से बिल्कुल मज़े ले रहे हैं खाने के। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, ऐसे ही कोई हिडन जेम को ढूंढ के लाते हैं आपके लिए, और कोई पॉपुलर फूड भी होगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। बने रहना मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।